बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवर, आप मुझे बताइए बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है हिंदी में? क्या आप सबने सुना है बैंक ओवरड्राफ्ट? कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं, जो कॉमर्स के बच्चे हैं, तो उन्होंने तो सुना होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन जो नॉन कॉमर्स हैं, उन्होंने बैंक ओवरड्राफ्ट सुना होगा, लेकिन एक्चुअलिटी होता क्या है, बस उन्हें पता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट है लगभग। तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट भी समझेंगे क्या है, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो, जब मैं एग्जाम्पल देता हूँ तो शायद आपको बस देने का पर्पस यही है, नहीं तो ये सारी चीजें तो मैं ऐसा कर सकता हूँ आपको कि लिख दूँ और इसके आगे हिंदी लिख दूँ, जो लो याद रख लो। तो इतनी सारी चीजें याद रखना पॉसिबल नहीं होता। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे लाइफ में क्या रहती है, याद रह जाती है लास्ट तक, और क्या पता वो चीजें याद रह जाए और वो आपको 1 मार्क्स दिला दे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट देखिए क्या होता है। अब आपसे मैं बात करता हूं, सपोज करो टाटा, टाटा कंपनी, सबने नाम सुना है टाटा कंपनी का। आप बताइए इसका ऑनर कौन है? आप सभी को पता है इसका ऑनर है रतन टाटा। रतन टाटा पता है आपको? आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है जनरल नॉलेज में भी कि इसके फाउंडर, ऑनर, फाउंडर तो नहीं है, खैर ये ऑनर है रतन टाटा। अब रतन टाटा की मैं अगर शख्सियत की बात करूं तो इसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी है या बेकार है, इसकी रेपुटेशन बताइए। रतन टाटा, इसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है, और ये मेन इनका उद्देश्य पैसे कमाना नहीं होता। बहुत सारे ट्रस्टी वगैरह भी है, तो जो रतन टाटा है मेन ट्रस्टी वगैरह के साथ भी काम करते हैं, इनका टाटा ट्रस्ट भी के नाम से भी है। तो उस बात को खैर छोड़ते हैं, हम टाटा की बात करते हैं। टाटा ने अपना एक अकाउंट ओपन करवाया बैंक में, और ये तो बैंक कौन सा था मैं वो चीज बता देता हूं। मान लेते हैं कि जो बैंक था वो था हमारा, सपोज करो SBI बैंक। तो आपको बैंक का अगर मैं हिसाब किताब बताऊं तो बैंक वालों का मेन इनकम का सोर्स क्या होता है? बैंक का मेन इनकम का सोर्स क्या होता है? अब तो बैंक में SBI वालों ने मिनिमम बैलेंस भी हटा दिया है, तो जो हम जमा करते हैं उससे नहीं है, जो लोन देते हैं। तो जो बैंक वाले लोन देते हैं ना, और हर ब्रांच की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसके जो ब्रांच मैनेजर होगा, इसका जो जनरल मैनेजर होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन इन एडवांस दे, और ऐसा नहीं कि किसी को भी दे दे, सिक्योर टर्म्स में दे। तो ये देखो, हमने एक SBI बनाया, और ये SBI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो ब्रांच मैनेजर है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका या सैलरी, इन सबको भी कमीशन मिलता है। तो डिपेंड पता है किस पे करता है, कितने एडवांसेस देता है। मान लेते हैं कि रतन टाटा और SBI के बीच में डील चल रहा है, रतन टाटा को अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ है, तो जो इसने अकाउंट खुलवाया है SBI में बैंक के अंदर, तो वो अकाउंट पता है कौन सा होगा? वो होगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, सर ये करंट अकाउंट क्या होता है? देखो, अकाउंट बहुत तरीके के होते हैं, सेविंग अकाउंट, तो बिजनेसमैन जो ओपन करवाते हैं वो करंट अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट की क्या खास बात है? सेविंग अकाउंट में आप दिन भर में या महीने में कुछ ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उसके बाद करोगे तो चार्जेस लगेंगे। करंट अकाउंट में आप दिन भर में 100 बार पैसे जमा करो निकालो, कोई चार्जेस नहीं लगने वाला। तो यही फर्क है, इसके कुछ अलग से चार्जेस भी लिए जाते हैं। ये हमारा करंट अकाउंट है। अब टाटा का बिजनेस है, तो टाटा का मुझे एक बात बताओ कि क्या ये उधार माल खरीदता होगा? बिल्कुल, इसके भी बहुत सारे उधार माल खरीदने को क्या बोलते हैं, याद करो, क्रेडिटर बोलते हैं। करा था ना लास्ट क्लास में खरीदना, इसके बहुत सारे क्रेडिटर होंगे, यानी इसका कुछ कोई ना कोई तो क्रेडिटर होगा जिसको पैसे देने होंगे, पैसा इसे देना होगा होगा, ठीक है, याद रखना है, क्रेडिटर पैसा देना होता है। और इसके बहुत सारे डेटर भी होंगे जिसको उधार माल बेचा होगा,
बिल्कुल सर, डेटर भी होगा। पैसा डेटर से क्या होता है बताइए? कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे बोलिए आप, जब तक पार्टिसिपेट नहीं करिएगा कुछ नहीं फायदा। पैसा लेना होता है इसमें। तो डेटर भी है, क्रेडिटर जो इसका अकाउंट है, करंट अकाउंट, इसके अंदर बहुत कई बार करोड़ों रुपए तो आ जाते हैं और कई बार करोड़ों रुपए निकल जाते हैं। तो इसके अकाउंट में डिपॉजिट भी होता है, विड्रॉन भी होता है। तो कई टाइम पे ऐसा भी टाइम आता होगा कि मान लो इसके अकाउंट में 200 करोड़ रुपए हैं, किसी क्रेडिटर से इसने 200 करोड़ का उधार लिया था, उसी क्रेडिटर को ये क्या करे, फटाफट से पेमेंट कर दे, तो 200 करोड़ निकल गया। तो इसके अकाउंट का बैलेंस क्या जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक सेकंड के लिए जीरो हुआ, जीरो तो हो सकता है ना? बिल्कुल, क्योंकि अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, यही तो चलता रहता है। इसका एक ड्राइवर है, ड्राइवर, ड्राइवर मिस्टर रामू। सर हर बार रामू नाम क्यों लेते हो आप? क्या करें कि आसान नाम यही याद आता है मुझे, रामू। मिस्टर रामू ड्राइवर है। इसने बोला रतन टाटा से, जो टाटा है उससे बोला, सर मुझे थोड़े से ना पैसे दे दो, सैलरी ड्यू हो गए हैं, मैं बहुत आपका ड्राइवर हूँ, आपके साथ ही रहता हूँ, थोड़ा सा मुझे एडवांस सैलरी दे दिया जाए। रतन टाटा पैसे लेके नहीं था पास में, इसने बोला चलो हाँ यार दे देता हूँ। देने के बाद इसने क्या करा, एक काम करो यार रामू, मैं आपको कैश नहीं देता, एक काम करो आपको मैं चेक दे देता हूँ। रामू ने बोला ठीक है साहब, आप चेक दे दे मुझे। रतन टाटा ने एक चेक दे दिया और इसको 5,000 रुपये सैलरी दिए, 5,000 रुपये का रतन टाटा ने, और इसके ऊपर साइन वगैरह कर दिया। अब रामू इस चेक को लेके जाता है बैंक में, बैंक में लंबी लंबी लाइनें लगी है, ये रहा काउंटर, बैंक में लंबी लाइनें लगी हैं, रामू बेचारा लगा हुआ है। रतन टाटा ने फोन किया, अरे कहाँ रह गए रामू? बोला लाइन में लगाऊं सर पैसे। जैसे ही रामू इसके काउंटर पे पहुंचा, वैसे ही यहां का जो कैशियर बैठा होगा, जो कैशियर बैठा होगा, उस कैशियर ने चेक पे अकाउंट नंबर लिखा होता है वो डाला, डालते ही देखा उसने इसमें जीरो बैलेंस है, क्योंकि जीरो हो गया था ना जैसे ही ये पहुंचा, उसी टाइम इसके अकाउंट से 500 करोड़ रुपए निकल गए और इसका अकाउंट का बैलेंस जीरो हो गया। और इस कैशियर ने बोला सर इसमें से 5,000 नहीं निकल सकते इस अकाउंट से, इस अकाउंट पे बैलेंस जीरो है। ड्राइवर ने बोला सही से चेक करो, देखो रतन टाटा जी ने भेजा है मुझे, आप जानते होंगे आपके पास तो सालों से काम कर रहा है। मैनेजर ने बोला देखो मुझे अपनी नौकरी प्यारी है, रतन टाटा ने भेजा हो चाहे प्रधानमंत्री ने भेजा हो, जब बैलेंस जीरो है तो मैं पैसे 1 रुपया भी नहीं दूंगा, ये लो चेक वापस ले जाओ। भाई इसका थोड़ा सा इंसल्ट हुआ, ये बेचारा इतने देर तक खड़ा हुआ और ये वापस आ गया। वापस आने के बाद रतन टाटा मन में सोचता सोचता रास्ते में आया, जब ये वापस आ रहा है तो पता है क्या सोच रहा होगा, बड़े पैसे वाले लोग बनते हैं, इससे अच्छा तो मैं ही हूं, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है तो मैं चेक तो नहीं देता। ये आ रहा है सोचता 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 आ रहा है कि बड़े पैसे वाले लोग बनते हैं, ये अकाउंट में पैसा है नहीं और ये सब काम करते हैं। इसका दोस्त मिल गया, इसको भी इसने बोल दिया, अरे टाटा वाटा कुछ नहीं होता, रतन टाटा नाम का है, 5,000 रुपये तो अकाउंट में है नहीं, रतन टाटा बनने चले, ये बनेंगे टाटा, कुछ काम का नहीं है। इसके दोस्त ने बोला अच्छा, इसके दोस्त ने और बताया, तो ये बातें बताओ कितनी तेजी से फैलेगी मार्केट में, बहुत स्प्रिटली एक बार ट्वीट कर दिया, फेसबुक पे डाल दिया है कि रतन टाटा का चेक हुआ बाउंस, तो बोलेगा अरे रतन टाटा तो दिवालिया हो गया बेकार। अब मैं बात करना चाहता हूं इसकी रेपुटेशन, रतन टाटा की रेपुटेशन क्या हुआ, डाउन या आप बिल्कुल डाउन हो जाएगा, कहीं ना कहीं बेइज्जती हुई, और बेइज्जती का कारण कौन था, बैंक। रतन टाटा गया बैंक के पास, एसबीआई के पास, और इसके मैनेजर से बोलता भाई देखो तुम्हारे बैंक से मेरा 1,000 करोड़ रुपए का लोन चलता है और आपने एक 5,000 रुपए का विश्वास नहीं किया, आप पैसे दे ही देते तो क्या होता। मैनेजर ने बोला सर ऐसी बात है कि हम रूल के खिलाफ नहीं जा सकते, ये तो रूल है ही नहीं। बोला भाई तुम्हें रूल अपना प्यारा है, मेरा अकाउंट बंद करो, ये लो पैसे, हम किसी और में जा रहे हैं। तो बैंक ने इसको अगर 5,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए लोन दे रखा है और 1% भी ब्याज लेते हैं, तो 1% के ब्याज में भी,
तो अगर 1% भी ब्याज लेता है तो 1% के ब्याज में भी अगर देखा जाए तो 1,000 करोड़ का 1% कितना होगा? कितना होगा बताओ? 100 करोड़ का 1%, 1 करोड़, 1,000 करोड़ का 1%, 10 करोड़, 10 करोड़ रुपए, इसके क्या बनेंगे ब्याज? उस 10 करोड़ की इसकी इनकम है हर महीने की, और 5,000 के चक्कर में एक क्लाइंट चला जाएगा। इसका मैनेजर घबरा गया। मैनेजर बोलता है, सर सर टाटा जी, आप ऐसा क्यों कहते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने बोला, देखो, तुम्हारी वजह से मेरी मार्केट में बदनामी हुई, मेरे शेयर्स के प्राइस नीचे आ गए, मेरी मार्केट में थू-थू हो रही है, आपके मेरे ड्राइवर के सामने मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। इस सिचुएशन में रतन टाटा कहता है कि भाई मेरा अकाउंट बंद करो। मैनेजर ने बोला, सर माफी दो, मैं आपके लिए कुछ करता हूं। मैनेजर ने बोला, देखो, मैनेजर आ गए, ये मैनेजर है और ये रतन टाटा, दोनों वन टू वन बात कर रहे हैं। बोल, रतन टाटा ने मैनेजर से बोला, भाई अकाउंट बंद करो। मैनेजर बोलता है, देखो सर, हम आपके लिए, हमारे, आप इतने अच्छे कस्टमर हो, आपके लिए हम एक फैसिलिटी लेके आए हैं, सिर्फ आपके लिए है। आपके अकाउंट में अगर जीरो बैलेंस भी होगा ना, तो हम अपने सिस्टम में एक ऐसा इंफॉर्मेशन डाल देते हैं कि आपके पैसे निकल जाएंगे। रतन ने टाटा बोला, तो यही तो निकालना था, अगर वो निकल जाता तो उसको पता ही नहीं चलता और इतनी बेइज्जती भी नहीं होती। तो बोला कि सर ऐसा करो, आप क्या करने जा रहे हो? इसने बोला कि देखो, मैं आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए डाल देता हूं, अगर आपका चेक, आपके अकाउंट में भले ही बैलेंस जीरो हो, चेक आप 50 करोड़ का भी दोगे ना, हमारा जो कैशियर है वो 50 करोड़ देगा, आपकी बदनामी नहीं होने देगा। लेकिन सर 50 करोड़ रुपए जीरो के बाद आप निकाल रहे, तो इसका ब्याज लूंगा मैं, ब्याज लूंगा मैं, और ये 50 करोड़ रुपए आपको देने पड़ेंगे। बोला, देने क्या पड़ेंगे, जैसे ही अकाउंट में आएगा काट लेना भाई तुम। तो बोला, हाँ ठीक है। बोला ब्याज, बोला ब्याज व्याज इतने ब्याज देते हैं यार तुम्हें, तुम ब्याज की बात कर रहे हो, ले लेना ब्याज जितना ही बनता है, बेइज्जती तो नहीं होगी। तो ब्रांच मैनेजर ने इसके अकाउंट में, करंट अकाउंट में एक मैसेज लिख दिया कि ये रतन टाटा का है और इसको फैसिलिटी दे दिया जाए कि जीरो के बाद भी बैलेंस निकालेगा। तो जीरो के बाद अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, -1, -2, -3, 50 लाख निकाल लिया तो -50 लाख, तो माइनस में चला गया बैलेंस। तो अगर इसका बैलेंस माइनस में चला गया, तो अब रतन टाटा को बैंक वाले को पैसे देने हैं नहीं देने? भाई जो माइनस में निकाले हैं देने हैं। तो इस फैसिलिटी को, जीरो के बाद जब आपके अकाउंट के बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, इस फैसिलिटी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो, बैंक तो है ही है, ओवर का मतलब क्या होता है बताइए, ज्यादा। ओवर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, ज्यादा निकाल लेना। इस फैसिलिटी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक से पैसे ज्यादा निकाल लेना। तो अब बताओ, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट रतन टाटा करता है, तो इसके ऊपर कर्जा है, लाइबिलिटी है या एसेट है? सच सच बताना, क्या बताओ? सर अगर ये बैंक ओवरड्राफ्ट करता है तो इसको तो पैसे बाद में देने पड़ेंगे। हाँ बेटे, देने पड़ेंगे। तो क्या है बताओ? तो देने पड़ेंगे, तो ये तो हो गया हमारा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हो गया ये तो। ओहो, इतनी छोटी सी बात अब समझ में आया कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। हाँ जी, जब हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं होते, तब हमारे अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं, उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। बाद में उसको हमें वापस कर दिया जाता है हमारे द्वारा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हर किसी को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ रेपुटेटेड पर्सन को मिलता है जिसका वहां पे अकाउंट है। किस बिहा पे दिया जाता है? वहां के स्टॉक, उनका रेपुटेशन, एंट्री वगैरह देख के बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। तो समझ में आया बच्चे आपको बैंक ओवरड्राफ्ट? तो आप फटाफट से एक बार बैंक ओवरड्राफ्ट की डेफिनेशन को नोट करो। मैं रीड भी कर देता हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट की डेफिनेशन को और एडवांस इनकम। एडवांस इनकम अभी लिखा था ना, नहीं रीड किया, कर देते हैं। देखो, इनकम रिसीव इन एडवांस क्या कहता है, सम टाइम एन अमाउंट इज रिसीव ड्यूरिंग अ ईयर। कभी कभी हम कुछ पैसा रिसीव कर लेते हैं ड्यूरिंग द ईयर। इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम, इनकम के रिस्पेक्ट में, दैट रिलेट टू नेक्स्ट ईयर, जो कि रिलेट किससे करता है, नेक्स्ट ईयर से, यानी अगले साल मिलना था लेकिन मैंने रिसीव अभी कर लिया, कॉल्ड एज ए इनकम रिसीव इन एडवांस, या अनअर्नड इनकम भी बोलते हैं, जिस पैसे को नहीं कमाया गया। तो ये तो लास्ट डेफिनेशन था। बैंक ओवरड्राफ्ट नोट करिए आप, अगर आपको नोट्स मिल गया है तो नोट में से देख के कॉपी कर सकते हैं, आप समझिए, अंडरलाइन करिए, लेकिन नोट्स नहीं मिला तो वो लिख भी लें। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ ड्रॉइंग,
ड्रॉइंग का मतलब निकालना, आउट ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट ड्रॉइंग है आउट ऑफ बैंक अकाउंट, निकाला जाता है मोर देन व्हाट हैव बीन डिपॉजिट इन इट, मोर देन ज्यादा निकाला जाएगा, हैज बीन डिपॉजिट इन, जितना उसने जमा किया है उससे कहीं ज्यादा निकाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। समझ में आया आपको बात? चलिए फटाफट से आप एक बार ये नोट करिए, फिर हम अगले और डेफिनेशन देखेंगे। इंटरेस्टिंग, आज बड़े ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग डेफिनेशन करेंगे, आज तो मजा आने वाला है, आज तो बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हैं, तो फटाफट से आप इसको एक बार नोट करिए।